दोस्तों आपको याद है जब आप छोटे बच्चे थे यानी कि जब आप स्कूल जाया करते थे तो एग्जाम्स आने से पहले हम कुछ समय पहले पढ़ने की प्रिपरेशन शुरू कर देते थे, जबकि हमें पता था कि अगर हमने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है तो कुछ चंद वक्त में पढ़ाई करके हमें पास होना है, ये हमारा अल्टीमेट गोल था। तो आज का ये वीडियो उसी बच्चे की तरह है, क्योंकि आज का वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल आपने देख लिया है कि लव मैरिज के ऊपर ये वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ गौतम, आई एम द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर फ्रॉम एंशिएंट इंडियन मेडिटेशन। स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में उसी छोटे बच्चे के एग्जाम्पल के साथ शुरू करेंगे एंड खत्म करेंगे। तो बिना समय गवाए, जो हमें पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, फटाफट से हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आप हमारी अपडेट मिस ना कर पाए। तो बिना समय गवाए फटाफट से शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कि शुरू करेंगे बच्चे से और खत्म करेंगे बच्चे पे। क्यों? क्योंकि मैनिफेस्टेशन के लिए आपका दिल बच्चे जैसा होना चाहिए, यानी दिल तो बच्चा है जी। तो पहली चीज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, कि जब एग्जाम आ रही होती है, अगर हमने पूरे साल तैयारी नहीं की है उस चीज की और फिर कुछ चंद वक्त के लिए हम प्रिपरेशन करके पास भी होना चाहते हैं, रिजल्ट्स भी लाना चाहते हैं, तो ये थोड़ी मुश्किल बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने पूरे साल फोकस किया था खेल कूद में, मस्ती में, पढ़ाई में बिल्कुल फोकस नहीं किया, तो स्वाभाविक सी बात है आप फेल हो जाओगे, ऐसे चांसेस हैं। यही चीज़ इफेक्ट करती है मैनिफेस्टेशन में। अगर आप लव मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपने उसी बच्चे की तरह आपका पूरा फोकस, पूरा ध्यान लगा दिया नेगेटिव चीज़ों के ऊपर कि ये लव मैरिज कैसे होगी, कास्ट डिफरेंस है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं पॉजिटिव नहीं रह पा रहा हूँ। तो ये सारा का सारा जो आपका ध्यान था वो ध्यान आपने रख दिया ले जा करके उन नेगेटिव चीज़ों पे, यानी पढ़ाई से तो आपका फोकस हट गया। जबकि दोस्तों, अगर आप सक्सेसफुली मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लव मैरिज आपके लाइफ में, तो आपका जो फोकस है, आपका जो गोल है, वो पहाड़ के जैसा मजबूत होना चाहिए जिसे कोई भी कितना भी नेगेटिव डाउट आके हिला ना सके। अगर आपका गोल इतना मजबूत है दोस्तों, तो 100% मार्क्स के साथ आप सक्सेसफुल हो जाओगे, पास हो जाओगे। तो पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको नेगेटिव चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान लेके नहीं जाना है, आपको हो सके उतना पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर ध्यान केंद्रित करके रखना है। आगे बढ़ते हैं नंबर दो की तरफ। दोस्तों चलो, आपने ध्यान हटा भी लिया, उस बच्चे की बात करते, उसने खेल कूद मस्ती करना बंद कर दिया, लेकिन सडनली किसी दोस्त ने आकर उसका चलना यार कुछ खेल लेते हैं। आपके साथ भी ऐसी ही चीज़ होती है, आपने सारा ध्यान तो हटा लिया, लेकिन लव मैरिज में खास करके प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपको परेशान करते हैं आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स, सोशल मीडिया, जो सारी चीज़ें आपके दिमाग में घुस जाती हैं कि अरे मैंने उसको तो वहाँ किसी और के साथ देखा था। तो इस एग्जाम्पल से यही सीखना है दोस्तों, आपको उस दोस्त को मना करना है, नो कि ठीक है देखा होगा तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। और ये चीज़ एक दिन की बात नहीं है दोस्तों, आपको इस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके आपका रिजल्ट जो आप चाहते हैं आपको मिल पाएगा। तो दूसरी चीज़, आपको जो बाहर की दुनिया जो सिग्नल्स आपको दे रही है वो एक्सेप्ट नहीं करने हैं, आपको खुद को पॉजिटिव सिग्नल्स देने हैं, क्योंकि आप सिग्नल देंगे तब जाके ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ पाएगी। तो आगे बढ़ते हैं, अब आप गौर कीजिएगा, जब भी वो बच्चा बहुत पढ़ाई करता है, अब साल में एक एग्ज़ाम नहीं होती है, दो तीन एग्ज़ाम्स आती हैं, अगर एक एग्ज़ाम में फेल हो जाता है तो फिर सोचने लगता है अरे इससे अच्छा तो पढ़ाई ना करूँ, मस्ती करूँ, हो ही जाऊँगा, रिजल्ट्स में तो कुछ बदलाव नहीं है। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके साथ भी यही होता है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक दिन में ये जादू हो जाएगा आपके साथ, आप एक दिन में पास हो जाएंगे, तो बहुत गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप एकदम नए नए हो। अगर आप मैनिफेस्टेशन में लव मैरिज जैसी बड़ी चीज़ अट्रैक्ट करना चाह रहे हो तो आपको बहुत प्रिपेयर होना पड़ेगा, आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रैक्टिस डलवानी पड़ेगी, तब जाके आपको जो परमानेंट रिजल्ट है वो रिजल्ट मिल पाएगा। तो हमारी इस एग्जाम्पल में मैं अब ये सिखाना चाहता हूँ आपको, सब्र रखिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा नहीं अमृत होता है। अगर आपको छोटी मोटी नेगेटिविटी दिखाई दी जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पिक्चर वहाँ पे ख़त्म हो गई। वो शाहरुख खान कहते हैं ना कि जब तक हैप्पी एंडिंग नहीं हो जाती तब तक पिक्चर ख़त्म नहीं होती, ऐसा ही कुछ कहते हैं, मुझे पता नहीं है लेकिन आप समझ गए ना।
क्योंकि जिस भी चीज को आप पूरी शिद्दत से चाहते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही चीज है, क्योंकि पूरी कायनात जब तक उसे आप तक नहीं पहुंचा देती वो शांत नहीं बैठेगी। तो अगर पूरी यूनिवर्स आपके लिए काम कर रही है तो क्या आप खुद के लिए काम नहीं कर सकते? आपको बस एक चीज पकड़ के रखनी है कि हमने ये गोल चाहिए, बस तो चाहिए। दोस्तों, लव मैरिज मैनिफेस्ट अगर आप करना चाहते हो तो ऊपर दी गई सारी गलतियों को सुधार दीजिए। कोई भी मेथड आप यूज करेंगे लव मैरिज अट्रैक्ट कर पाएंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, एक अच्छी किताब आपको रास्ता बता सकती है, लेकिन एक अच्छा गुरु उस पर चलने का तरीका बता सकता है, यानी कि आपको सफलता की सीढ़ी पे चलना सिखा सकता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो परेशान है कास्ट डिफरेंस की वजह से, लव मैरिज प्रॉब्लम की वजह से, रिलेशनशिप प्रॉब्लम की वजह से। तो अगर इन सारी चीजों को जड़ से खत्म करना चाहते हो दोस्तों, तो फटाफट से हमारा जो कोर्स है आई हैव माई सोलमेट, जो स्पेशली इन सारी चीजों के लिए मैंने बनाया है, आपके गुरु ने बनाया है, जिसमें मैं 100% रिजल्ट्स की गारंटी देता हूं। तो अगर आपने अभी तक ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए और आज ही हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि हमारी टैगलाइन है दोस्तों, मैजिक हैपेंस हियर। सो बस आज के वीडियो में यही चीज बताना चाहता हूं दोस्तों। वीडियो खत्म होते होते कुछ सक्सेस स्टोरीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगी। एक बार उन्हें देख लीजिए, पढ़ लीजिए कि कितने सारे लोगों ने उनकी जिंदगी बदली है ये कोर्स में एनरोल करके। तो आप कौन सी चीज का इंतजार कर रहे हैं? फटाफट से ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन टुडे, ज्वाइन नाउ, बिकॉज मैजिक हैपन्स हियर। सो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं ऋषभ गौतम आप सब लोगों से आज्ञा लेता हूँ, अनुमति लेता हूँ, आपको मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण।